जय बालाजी के। हमारे देव दर्शन के अगली श्रृंखला में हम आज यहाँ डूंगर बालाजी धाम पहुँचे हैं। डूंगर बालाजी सालासर बालाजी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। सुजानगढ़ से ये करीब 14 किलोमीटर पर है। द्रोणांचल पर्वत पर स्थित बालाजी का यह धाम इधर देखो, बहुत ही प्रसिद्ध चमत्कारी धाम है। बालाजी यहाँ पहाड़ पर विराजते हैं 2100 मीटर की ऊंचाई पर। द्रोण पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। महाभारत कालीन कुछ कहानियां भी यहाँ से जुड़ी हुई है। कहते हैं द्रोणाचार्य का आश्रम इसी पर्वत पर था, शायद इसीलिए इस पर्वत का नाम द्रोणांचल पड़ा। और बालाजी यहाँ विराजते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु बालाजी के दर्शन हेतु यहाँ पधारते हैं और अपनी मनोकामना बालाजी से मनवाते हैं। बालाजी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम यहाँ पधारे हैं और आगे कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम बालाजी के प्रधान मंडप की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ वाहनों से भी आया जा सकता है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी बनी हुई हैं, उन पर छतरियाँ भी लगी है ताकि धूप बरसात आदि से बचा जा सके। यात्री सुविधापूर्वक जगह जगह भक्तों द्वारा काफ़ी सुविधाएं यात्रियों के सेवार्थ रखी हुई है। आइए चलते हैं बालाजी के दर्शन की ओर। ये सीढ़ियां चढ़ते हुए हम बालाजी के मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहाड़ी सीढ़ियां हैं, ऊंची नीची, लेकिन भक्तों का उत्साह इस कष्टप्रद चढ़ाई को भी और बालाजी से के दर्शन बालाजी से मिलने हेतु ये कष्ट भी उन्हें स्वीकार होता है। ये मंदिर के ऊंचाई से लिया हुआ दृश्य है। सूर्यास्त होने को है, चारों तरफ सूर्य की लालिमा फैली हुई है। ऊंचाई से समतल पर देखने का एक अलग ही आनंद यहां मिल रहा है। रास्ते के बीच में छोटे छोटे मंदिर देवी देवताओं के भी मिलते हैं। ये बालाजी का मंदिर का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहां से कुछ और सीढ़ियां हमें चढ़नी है, उसके बाद हम बालाजी के मंदिर तक पहुंचेंगे। रास्ते में छोटे छोटे प्रसाद और चाय जलपान की भी सुविधाएं हैं। हम पहुंच चुके हैं बालाजी के बिल्कुल सामने। आप जो देख रहे हैं हमारे सामने बालाजी विराजमान हैं। प्रधान मंडप में प्रवेश करते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। जय डूंगर बालाजी। महाराज पुजारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातें करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे बालाजी यहाँ बैठ भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। उनके चमत्कार की कुछ कथाएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे।
जय श्री बालाजी। इस मंदिर को सबसे पहले बीकानेर दरबार थे, उन्होंने क्या यहाँ पहाड़ी पे किला बनाना चाहते थे, तो फिर किले का काम शुरुआत तो नींव से हनुमान जी की, ये दाहिनी तरफ मूर्ति है ना जो सामने जोत चल रही है, ये मूर्ति नींव से निकली। तो फिर उन्होंने छोटा सा मंदिर बना के सेवा पूजा का काम शुरू करवाया। और ये बीच वाली मूर्ति है, ये बीकानेर दरबार की लगाई हुई है। और ये साइड वाली मूर्ति है तीसरी, ये जसवंतगढ़ की टापड़ी है, उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो इस तरह से हनुमान जी के तीन मूर्तियां हैं। और भक्त लोग यहाँ से आते हैं तो अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना हो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो भगवान पूर्ण करते हैं उनकी सब मनोकामना। बालाजी का कुछ परिचय परिचय वो सब परिचय भगवान तो यहाँ बैठे परिचय देते हैं भक्तों को, तो कुछ ऐसे परिचय परिचय वो भक्त के अपने आप मन में ही मन में आते हैं भक्त लेके, और उनकी मनोकामना बालाजी पूरी करते हैं, तो वो माने सर्व मनोकामना यहाँ पूरी होती है। वो दोबारा आके तो देते हैं। ये ऊपर में क्या चीज का मंदिर? ऊपर राम दरबार है, राम लक्ष्मण जानकी। ये मंदिर परिसर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जय लालाजी महाराज, जय डूंगर बालाजी। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मनोकामना के साथ बालाजी से प्रार्थना है कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सबको अपना आशीर्वाद दें, सारा विश्व खुशमय हो।